पांच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना चकनाचूर होगा। अब भाजपा के नेताओं का मुंह लट चुका है, यू टर्न होने वाला है, साधु संत भी अब कांग्रेस का साथ देने लगे हैं। ये बात नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने माता नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने माता नैना देवी की विधिवत पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पुजारी प्रदीप शर्मा के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना करवाई गई। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जयराम सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। हालांकि वह इस एक वर्ष के कार्यकाल पर जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य पिछड़े हैं और क्राइम बढ़ा है, उससे प्रतीत होता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और पूरी सरकार को इस समय आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार धन्ना सेठों की सरकार है और प्रदेश की करोड़ों रुपए की भूमि को कौड़ियों के भाव धन्ना सेठों को बेचा जा रहा है, जिसमें बाबा रामदेव के अलावा अब कई आरएसएस के नेता भी शामिल होने वाले हैं। सबके साथ आ रही है और बीजेपी वालों के मुंह लटके हुए हैं, इनको समझ आ रहा है कि जो है अब यू टर्न हो चुका है और राजस्थान में जितने भी लोग गए हैं सब लोगों को पता है कि सरकार जो है पूरे धमाके के साथ आ रही है। तो अभी मध्य प्रदेश में आप देखो, साधु संतों ने कहा है कि साधु संतों ने कांग्रेस का साथ दिया, रैली निकाली, हजारों साधु संत इकट्ठे हो गए कि राम मंदिर पे इन्होंने हमारे से झूठ बोला और इसलिए जो है वो कंप्यूटर बाबा से लेके जिनको इन्होंने रैंक्स दे रखे थे वो सारे छोड़ के जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने किसी तबके को, कोई ऐसा तबका है जिससे झूठ ना बोला हो। अब आखिरी दो तीन महीने बचे हैं, अब जो है हाथ पांव मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला पांच राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद होगा और चुनाव मैदान में दमदार प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है, आज महंगाई बेरोजगारी की समस्या से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अभी एक वर्ष पूरा हुआ है लेकिन प्रदेश सरकार लगातार कर्जे पर कर्जा ले रही है। दो हेलीकॉप्टर खरीदने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है और मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। भाजपा सरकार ने प्रदेश में 30 योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन पूरी योजनाएं लोगों को पता ही नहीं है। इनका कोई भी विधायक एक मुश्त इन 30 योजनाओं को गिनवा नहीं सकता। चार्जशीट की रिवायत भाजपा ने शुरू की थी और अब जब भी कांग्रेस पार्टी चार्जशीट की बात कर रही है तो भाजपाइयों को मिर्ची लग रही है। उन्होंने कहा कि धमकाने की राजनीति से वह डरने वाले नहीं हैं। कहा कि राजनीति नहीं चलती ना, हम धमकने वाले हैं, ये बात जो है मंदिर में बैठ के हम बोल रहे हैं कि ऐसे ये कोई सोचे कि हम इनकी धमकियों से डर जाएंगे तो धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। हम पूरे जो है लड़ाई लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। आप में दम है, आप करो जांचें। आपने पहले कहा था कि हमारी जांचों में विश्वास नहीं, अब एक साल के अंतराल के बाद आपको क्यों अचानक लगने लगा कि अब इनको जांचें की जाए? क्योंकि सत्ता का मोह हो रहा है। अब तभी तो कहते हैं खुदा जब हुसन देता है नचाकत आई जाती है। अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब लगता है कि नहीं, दूसरों को रगड़ा जाना चाहिए। अच्छा मुकेश,